गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पैरेलल डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे और ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा पैरेलल डेटाबेस में। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आइए समझते हैं कि पैरेलल डेटाबेस क्या है। पैरेलल डेटाबेस सिस्टम, तो देखते हैं कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो ए डेटाबेस सिस्टम स्टोर्स ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डेटाबेस सिस्टम एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करता है और इट कैन बी एक्सेस्ड कंकरेंटली बाय वेरियस एप्लीकेशन सच एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, OLTP, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, पैरेलल क्वेरी प्रोसेसिंग। और इस डेटाबेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को फेच की जाती है बहुत सारे एप्लीकेशन के द्वारा। जैसे यूजर्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे यूजर्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू डेटाबेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल है हर डिपार्टमेंट में, तो वहाँ जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से बहुत सारे यूजर्स डेटाबेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारे क्वेरी प्रॉम्प्ट से भी डेटाबेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन फेच की जा रही है। तो क्या हो रहा है कि डेटाबेस सिस्टम से एक ही टाइम में बहुत सारे यूजर्स यानी कि मल्टीपल यूजर्स एक टाइम में इंफॉर्मेशन को जो है फेच कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पर सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम है यानी कि डेटाबेस के साइट में अगर एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है जिसको सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं, तो एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है तो हजारों जो रिक्वेस्ट आई है यूजर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, तो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में या सिंगल प्रोसेसर क्या करेगा, पहले एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसको एक टास्क भी बोल सकते हैं। तो पहले एक टास्क को कंप्लीट करेगा और दूसरे टास्क को क्यू में रखेगा, रोक करके रखेगा। फिर पहला जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे को कंप्लीट करेगा, फिर तीसरे को कंप्लीट करेगा। तो इससे क्या होगा कि हजारों यूजर्स जो है हर यूजर्स को एक प्रॉपर टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। एक यूजर को तुरंत इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी, दूसरे यूजर को वेट करना पड़ेगा, तीसरे यूजर को हो सकता है घंटों वेट करना पड़े। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर देखते हैं सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इन इस सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम वन टास्क इज कंप्लीटेड एट ए टाइम। तो एक टाइम में एक ही टास्क कंप्लीट की जाती है एंड ऑल द टास्क आर रन बाय द प्रोसेसर इन ए सीक्वेंस। और बाकी के जितने भी टास्क होते हैं, बाकी के जितने भी यूजर के रिक्वेस्ट होते हैं, उसको क्यू में रख करके प्रोसेसर क्या करता है, सीक्वेंस में एक के बाद एक टास्क को कंप्लीट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल इन ए रियल एनवायरनमेंट में, एक रियल लाइफ में हम क्या देखते हैं कि पीपल स्टैंडिंग इन ए क्यू एंड वेटिंग फॉर ए रेलवे टिकट। क्या देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे रेलवे टिकट को लेने के लिए लोग जो है एक क्यू में खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि वन पर्सन कैन गेट ए टिकट एट ए टाइम। तो एक टाइम में एक पर्सन को जो है एक ही टिकट मिलेगी। पहले एक पर्सन टिकट को लेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरे पर्सन की बारी आएगी, फिर वो लेगा चला जाएगा, फिर तीसरे पर्सन की बारी आएगी। अब सपोज देर आर टू क्यूज ऑफ पीपल। अब मान लेते हैं कि लोगों की एक लाइन नहीं, वहां पर दो लाइन है एंड वन कैशियर इज हैंडलिंग बोथ द क्यूज और कैशियर एक ही है, टिकट देने वाला बंदा एक ही है और वही अकेला बंदा जो है दोनों क्यू को हैंडल कर रहा है, तब क्या होगा। तब ये होगा कि वन पर्सन कैन गेट ए टिकट एट ए टाइम। तब दोनों लाइन में से एक बंदा एक टिकट को लेगा एक लाइन से, फिर दूसरे लाइन में से एक बंदा एक टिकट को लेगा, फिर पहले लाइन में से फिर तीसरा बंदा लेगा, फिर दूसरे लाइन में से चौथा बंदा लेगा। तो इस तरीके से काम होगा। देन वन पर्सन कैन गेट ए टिकट एट ए टाइम फ्रॉम बोथ क्यूज।
तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेसर गेट लिस्ट ऑफ टास्क एंड इच टास्क इज कंप्लीटेड एट ए टाइम एंड ऑल अदर टास्क वेट टिल द फर्स्ट वन कंप्लीट्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है कि एक कंपनी में मल्टीपल यूजर्स जब OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, पैरेलल क्वेरी प्रोसेसिंग के थ्रू, जब मल्टीपल यूजर्स जो है डेटाबेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को या डेटा को फेच करते हैं, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट जब सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम के पास यानी कि सिंगल प्रोसेसर के पास जाती है, तो सिंगल प्रोसेसर क्या करता है कि पहले एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है यानी कि एक टास्क को कंप्लीट करता है। उसके बाद एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद अदर टास्क को वेट करवाता है जब तक कि पहला टास्क कंप्लीट ना हो जाए। तो इस तरीके से सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में काम होता है। तो द मेन प्रॉब्लम्स अराइज हियर इन DBMS। तो DBMS में यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो जाती है कि डिस्क एक्सेस टाइम बिकम्स हाई। डिस्क एक्सेस टाइम जो है वो बहुत हाई हो जाता है और इस केस में इट डज नॉट सपोर्ट वेरी लार्ज डेटाबेस विद इन ए सिंगल सिस्टम। तो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस केस में बहुत बड़े डेटाबेस को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो डिस्क एक्सेस टाइम क्या है? डिस्क एक्सेस टाइम मीन्स टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रोसेस ए रीड राइट रिक्वेस्ट एंड देन रिट्रीव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द डिस्क स्टोरेज। तो डिस्क एक्सेस टाइम का मतलब क्या है कि मल्टीपल यूजर्स ने डेटाबेस सिस्टम के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट को भेजा है। तो पहले एक रिक्वेस्ट यानी कि पहले एक टास्क कंप्लीट होगी। उस टास्क कंप्लीशन के दौरान क्या करेगा कंप्यूटर कि उस टास्क को पहले रीड करेगा, फिर देखेगा कि यूज़र ने कौन से इंफॉर्मेशन की मांग की है, उसको रीड करके फिर जो है रिक्वायर्ड वाले डेटा को डिस्क स्टोरेज से फिर फेच करेगा और फेच करके फिर जा करके उस यूज़र के पास भेजेगा। इतना काम होने के बाद फिर दूसरे टास्क की बारी आएगी, दूसरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की जाएगी। उसमें भी कंप्यूटर क्या करेगा, रीड करेगा, रिक्वायर्ड डेटा को रिट्रीव करेगा, फिर यूज़र के पास भेजेगा, फिर तीसरे रिक्वेस्ट के साथ भी कंप्यूटर यही करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले एक रिक्वेस्ट कंप्लीट हो रही है, एक टास्क कंप्लीट हो रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इसमें डिस्क एक्सेस टाइम क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इस केस में अगर बहुत ही बड़ा डेटाबेस हो, बहुत सारे लाखों करोड़ों यूजर, करोड़ों नहीं लाखों यूजर्स अगर उससे कनेक्टेड हो, तो लाखों यूजर्स ने अगर एक टाइम पे डेटाबेस सिस्टम में रिक्वेस्ट भेज दी तो लाखों रिक्वेस्ट जो है डेटाबेस सिस्टम के पास आ जाएगी। और सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम होने की वजह से, सिंगल प्रोसेसर होने की वजह से, वो लाखों रिक्वेस्ट को, लाखों टास्क को एक सिंगल प्रोसेसर कैसे एग्जीक्यूट करेगा? करेगा लेकिन एक एक करके लाखों बार टास्क को कंप्लीट करेगा। तो इससे प्रोसेसिंग टाइम जो है बढ़ जाता है और लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत देर देर से उठ करके आती है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स है, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम के जगह पर पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि पैरेलल डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो देखते हैं कि पैरेलल डेटाबेस में क्या होता है। तो पैरेलल डेटाबेस इज ए सिस्टम विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन पैरेलल कंप्यूटर। तो डेटाबेस सिस्टम की साइड से क्या करते हैं कि बहुत सारे और कंप्यूटर्स को जोड़ दिए जाते हैं। मतलब डेटाबेस किसी एक बड़े कंप्यूटर पे स्टोर होगा, उसी कंप्यूटर के साथ और भी उसके पैरेलल में बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं और उन बहुत सारे कंप्यूटर में नंबर ऑफ प्रोसेसर्स लगा दिए जाते हैं, मेमोरीज लगा दिए जाते हैं एक फास्ट नेटवर्क के थ्रू। और उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग डेटाबेस क्या करता है, डिवाइड्स ए लार्ज टास्क इनटू मेनी स्मॉलर टास्क।
और फिर ये क्या करता है कि अगर मल्टीपल यूजर्स ने रिक्वेस्ट सेंड की है डेटाबेस सिस्टम के पास, मान लीजिए कि एक टाइम में 1 लाख जो है, 1 लाख नहीं 1,000 एम्प्लॉयज ने जो है रिक्वेस्ट भेजी है इंफॉर्मेशन के लिए, तो 1,000 रिक्वेस्ट आ गई डेटाबेस सिस्टम के पास, यानी कि 1,000 टास्क जो है अब कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि 1,000 जो है जो टास्क है, 1,000 जो रिक्वेस्ट है, तो कितने प्रोसेसर लगे हुए हैं उतने प्रोसेसर के हिसाब से 1,000 टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सारे प्रोसेसर पे पैरेललली उसको जो है एग्जीक्यूट करवा देता है। तो देन इट एग्जीक्यूट्स द स्मॉलर टास्क कंकरेंटली ऑन सेवरल सेपरेट प्रोसेसर ऑन ए सेपरेट मशीन। तो क्या करता है, पैरेलल सिस्टम स्मॉलर टास्क को एट द सेम टाइम बहुत सारे प्रोसेसर में सबको बांट करके एक साथ ही एग्जीक्यूट करवा देता है, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद एक ही टाइम पे हजारों यूजर्स के पास हजारों इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पर पहुंच जाती है। तो वहां पर डिस्क एक्सेस टाइम नहीं लगता है, कम हो जाता है, रिस्पांस टाइम कम हो जाता है, मतलब तुरंत जो है हजारों यूजर्स को तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसी को पैरेलल डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। तो इन शॉर्ट मैं और बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बड़ी थी, तो मैं इन शॉर्ट और समझा देता हूँ कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले एक डेटाबेस सिस्टम है, उस डेटाबेस सिस्टम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर है तो एक ही टाइम पर उससे बहुत सारे यूजर्स इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। जैसे OLTP वाले यूजर्स इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वाले यूजर्स इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हैं, पैरेलल क्वेरी प्रोसेसिंग वाले यूजर्स जो है इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस कर रहे हैं। अब अगर डेटाबेस सिस्टम के साइड में कंप्यूटर एक ही है, प्रोसेसर एक ही है, तो प्रोसेसर क्या करेगा इस केस में, पहले एक टास्क को कंप्लीट करेगा, एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा, उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा, फिर दूसरे रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, फिर उस यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे देगा, फिर तीसरे रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा, फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़र दे देगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्क एक्सेस टाइम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पहले एक टास्क कंप्लीट होगी, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा टास्क वेट करेगा उसके लिए, फिर दूसरा टास्क कंप्लीट होने के बाद तीसरा टास्क वेट करेगा। तो इसी को कहते हैं डिस्क एक्सेस टाइम, यानी कि इंफॉर्मेशन को फेच करना, जो डेटाबेस साइड से जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को फेच करके यूजर के पास भेज रहा है, तो वो पहले डिस्क से इंफॉर्मेशन फेच करता है कंप्यूटर, फिर यूजर के पास भेजता है, तो डिस्क को रीड करने का टाइम उसका बढ़ जाता है। तो जो है एक तो ये प्रॉब्लम है। तो दूसरी बात यह है कि अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है और लाखों यूजर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो लाखों यूजर ने अगर एक टाइम पे ही अपनी इंफॉर्मेशन फेच करनी चाहे, तो एक प्रोसेसर जो है लाखों यूजर्स के इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं कर पाएगा, वहां पर सिस्टम हैंग कर जाएगा, यूजर्स को एक एक 1.5 घंटे के बाद जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया गया वहां पर। तो इसमें क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम के साइड में और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जोड़ दिए जाते हैं, उन कंप्यूटर पे और भी प्रोसेसर्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, मेमोरीज वगैरह लगा दी जाती है नेटवर्किंग वगैरह के थ्रू। और अब जो है अगर लाखों यूजर्स एक टाइम पर अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो, तो लाखों रिक्वेस्ट क्या करेगा, पैरेलल डेटाबेस सिस्टम लाखों रिक्वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जितने भी प्रोसेसर लगे हुए हैं उन सारे प्रोसेसर के पास उसके छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे टास्क को भेज देता है, और भेज देने के बाद मल्टीपल प्रोसेसर होने की वजह से मल्टीपल टास्क एक ही टाइम में जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, और यूजर को जो है तुरंत इंफॉर्मेशन
मिल जाती है। तो यही है पैरेलल डेटाबेस सिस्टम, गोल्स ऑफ पैरेलल डेटाबेस सिस्टम। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का गोल क्या है और इसका पर्पस क्या है? तो फर्स्ट जो पर्पस है वो है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो कैसे? द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल सीपीयू एंड डिस्क इन पैरेलल। मैनी स्मॉल प्रोसेसर्स कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मल्टीपल यूजर्स ने मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड की डेटाबेस सिस्टम के पास, तो डेटाबेस सिस्टम की तरफ से बहुत सारे सीपीयूस, डिस्क, बहुत सारे प्रोसेसर्स वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेसर्स जो है एक साथ मिल करके सारे रिक्वेस्ट को, जितनी भी रिक्वेस्ट आती है यूजर्स की, उसको हैंडल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। मतलब यूजर्स ने जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, तुरंत उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। दूसरा है इंप्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। इससे क्या होगा कि डेटा कैन बी कॉपी टू मल्टीपल लोकेशंस टू इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में क्या है, डेटा की एक रेप्लिका, एक कॉपी बनाकर भी अलग अलग लोकेशन पे स्टोर कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि डेटा की अवेलेबिलिटी में इम्प्रूव हो जाता है। आगे इम्प्रूव रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी में क्या होता है कि डेटा जो उठ करके आएगी वो कंप्लीटनेस, कंप्लीट डेटा उठ करके आएगी, एक्यूरेट डेटा उठ करके आएगी, और डेटा की अवेलेबिलिटी, तुरंत डेटा उठ करके आपके पास आएगी। तो इसी को रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो ये भी जो है पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का एक गोल है। उसके बाद प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस ऑफ डेटा। तो कंपनीज हैविंग मेनी ब्रांचेस इन मल्टीपल सिटीज कैन एक्सेस डेटा विद द हेल्प ऑफ पैरेलल डेटाबेस सिस्टम। अब एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस है और अलग अलग सिटी में है, तो अलग अलग सिटी में बहुत सारे ब्रांचेस अगर अपना कोई डेटा एक्सेस करना चाहते हैं एक सिंगल डेटाबेस सिस्टम से, तो वहाँ पर पैरेलल डेटाबेस सिस्टम होने की वजह से वो अपनी इंफॉर्मेशन को तुरंत एक्सेस कर लेते हैं। तो ये सारे पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के गोल्स थे। अब पैरेलल डेटाबेस सिस्टम को थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग कितने टाइप के होते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग जो है दो टाइप्स के होते हैं। पहले को बोलते हैं सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग। तो आइए समझते हैं कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग क्या होता है। तो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन द सिंगल प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम की साइड में, डेटाबेस सिस्टम की साइड से अगर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम या वो कंप्यूटर एक ही प्रोसेसर पे वर्क कर रहा है, तो इसको सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। कैसे, क्या होता है इसमें देखते हैं। इन सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग सिस्टम वन प्रोसेसर कंप्लीट वन टास्क एट ए गिवन टाइम एंड अदर टास्क वेट इन ए क्यू। तो सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि डेटाबेस की साइड में कंप्यूटर पे एक ही प्रोसेसर होता है और उसके पास अगर लेट सपोज 10 रिक्वेस्ट आई है इंफॉर्मेशन के लिए, डिपार्टमेंट में अलग अलग 10 यूजर्स ने डेटाबेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को फेच करना चाहा, तो डेटाबेस सिस्टम की साइड पे जो प्रोसेसर लगा हुआ है उस एक प्रोसेसर के पास 10 रिक्वेस्ट आएगी। तो 10 रिक्वेस्ट आएगी तो प्रोसेसर क्या करेगा, पहले एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा, पहले एक टास्क को कंप्लीट करेगा और बाकी के टास्क को क्यू में रख करके वेट करवाएगा। और जब एक टास्क
कंप्लीट हो जाएगा, एक रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक रिक्वेस्ट यानी कि एक यूजर को इंफॉर्मेशन जब भेज दी जाती है तो एक टास्क कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद क्यू में जो 9 और रिक्वेस्ट आई हुई है फिर दूसरे रिक्वेस्ट को या दूसरे टास्क को प्रोसेसर हैंडल करता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। तो सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में टास्क को एक एक करके हैंडल किया जाता है। और क्या होता है इसमें, इन ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मे बी रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड ईच प्रोग्राम हैज़ मल्टीपल टास्क रनिंग। तो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, और बहुत सारे प्रोग्राम्स क्या करेंगे, हर प्रोग्राम एक टास्क को होल्ड करके रखेगा। अगर 10 रिक्वेस्ट आई है तो 10 प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएंगे और 10ों प्रोग्राम 10 टास्क को होल्ड करके रखेंगे, और होल्ड करने के बाद जो क्या करेंगे, ऑल टास्क ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, होल्ड करने के बाद सारे टास्क, अलग अलग प्रोग्राम ने जो टास्क को होल्ड कर रखा है तो सारे टास्क को एक एक करके प्रोसेसर के पास भेजा जाता है। एक प्रोग्राम एक टास्क को भेजेगा प्रोसेसर के पास, फिर वो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरा प्रोग्राम दूसरे टास्क को प्रोसेसर के पास भेजेगा, फिर वो जो है प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेसर क्या कर रहा है, उन सारे ऑल टास्क ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऑल टास्क को एक एक करके प्रोसेसर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि सिक्वेंशली उसको प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरीके से जो है यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग में। तो बहुत बड़ा डेटाबेस है तो उसमें लाखों अगर यूजर्स कनेक्टेड है तो लाखों में से अगर कम से कम 10,000 यूजर्स ने एक टाइम पे ही जो है इंफॉर्मेशन को फेच करना चाह रहे हैं, तो सिंगल प्रोसेसर जो है 10,000 यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जब कराएगा तो उसमें बहुत टाइम के बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि 10,000 एम्प्लॉय के पास इंफॉर्मेशन बहुत देर देर से आएगी। तो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम इस तरीके से लार्ज डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम है सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग का। तो इसमें क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम एक टास्क को होल्ड करके रखता है, उसके बाद प्रोसेसर को दे देता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देता है, यूजर के पास इंफॉर्मेशन भेज देता है, फिर दूसरा प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है जिसने दूसरे टास्क को होल्ड करके रखा हुआ है, फिर दूसरा प्रोग्राम दूसरे टास्क को प्रोसेसर को दे देता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करके यूजर को उसका इंफॉर्मेशन भेज देता है। तो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस तरीके से डेटा प्रोसेस होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग, तो पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, ए टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन विच मल्टीपल टास्क आर कंप्लीटेड एट ए टाइम बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मल्टीपल टास्क को कंप्लीट किया जाता है एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा। तो इन पैरेलल प्रोसेसिंग देयर इज मोर देन वन प्रोसेसर इन्वॉल्व। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम की साइड में बहुत सारे प्रोसेसर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोसेसर को जो है डेटाबेस सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है। इन इट द क्वेरी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर टास्क एंड ईच कंपोनेंट ऑफ टास्क इज एग्जीक्यूटेड ऑन सेपरेट प्रोसेसर। तो इसमें क्या होता है कि जो है क्वेरी को मल्टीपल स्मॉलर टास्क में तोड़ दिया जाता है, बहुत सारे रिक्वेस्ट को कंबाइन करके जो है बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाता है, और बांट करके हर टुकड़े को, हर टास्क के कंपोनेंट को एक सेपरेट प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे कि अगर हम रियल टाइम
रियल एनवायरनमेंट का एग्जांपल ले, तो इन रियल टाइम एग्जांपल देयर आर मल्टीपल क्यूज ऑफ पीपल स्टैंडिंग टू गेट रेलवे टिकट। तो एक रेलवे स्टेशन पे रेलवे टिकट को लेने के लिए लोगों की बहुत सारी क्यूज है, बहुत सारी लाइनें हैं। तो इस केस में क्या होगा कि इच क्यू इज हैंडल्ड बाय मल्टीपल पीपल। तो अगर एक क्यू को हैंडल करने के लिए वहां पर मल्टीपल लोगों को लगा दिया जाए तो क्या होगा, मल्टीपल पीपल विल गेट टिकट्स एट ए टाइम। तो एक ही टाइम पर मल्टीपल पीपल जो है क्या करेंगे, टिकट्स को प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें टाइम ही नहीं लगेगा। तो सिमिलरली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर आर मल्टीपल क्यूज ऑफ टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क की बहुत सारी क्यूज होती है, लाइनें होती है, तो मल्टीपल टास्क को कंप्लीट किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसर के थ्रू एक टाइम में डिफरेंट या मल्टीपल प्रोसेसर के थ्रू जो है मल्टीपल टास्क को कंप्लीट किया जाता है। इस डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल डेटाबेस प्रोसेसिंग क्या है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें एक प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे सीपीयू लगा हुआ है, एक सीपीयू, दो सीपीयू, तीन सीपीयू, चार सीपीयू, पांच सीपीयू। तो क्या करेगा, ये प्रोग्राम जो है पांच टास्क को ही अपने पास रख लेगा, फिर और भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे तो वो 5 या 10 टास्क को वो अपने पास रखेगा, और प्रोग्राम होंगे वो 5-10 टास्क को और अपने पास रखेगा, और उसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए होंगे। तो सब प्रोसेसर के पास क्या करेगा, एक एक टास्क उठ करके चला जाएगा, या कितना टास्क एक प्रोसेसर के पास जाना चाहिए वो इंटरनली मैनेज हो जाता है। तो वो हर प्रोसेसर के पास जो है टास्क उठ उठ के उसके हिस्से का चला जाएगा, और एक ही टाइम में सारे प्रोसेसर जो है सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सारे यूजर्स को तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिस इंफॉर्मेशन के लिए उसने डेटाबेस सिस्टम में रिक्वेस्ट भेजा था। तो पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम यही है एडवांटेज ऑफ पैरेलल डेटाबेस। तो अब देखते हैं कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन-कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज। तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि इम्प्रूव्ड रिस्पांस टाइम। तो इसमें रिस्पांस टाइम क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि मल्टीपल यूजर्स ने इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट डेटाबेस सिस्टम के पास भेजी है, तो डेटाबेस सिस्टम के पास बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो बहुत सारे प्रोसेसर यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल रिक्वेस्ट को, मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मल्टीपल यूजर के पास इंफॉर्मेशन तुरंत आ रही है। तो इसी को कहते हैं कि वहां पर रिस्पांस टाइम क्या होगा, इम्प्रूव हो गया, कम हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि मल्टीपल यूजर को इंफॉर्मेशन डेटाबेस से तुरंत मिल रही है, तो इसी को बोलते हैं रिस्पांस टाइम क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। दूसरा इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी, वही जो यूजर के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है और तुरंत आ रही है, तो उसको इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी बोलते हैं। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में वही इंफॉर्मेशन जो आ रही है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है, तुरंत इंफॉर्मेशन आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी को भी इंफॉर्मेशन फेच करने में, तो परफॉर्मेंस वहाँ पर इम्प्रूव है। उसके बाद पैरेलल डेटाबेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सट्रीमली लार्ज डेटाबेस। तो जहाँ पर बहुत बड़ा डेटाबेस है वहाँ पर पैरेलल डेटाबेस बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि अगर जो है 1 सेकेंड में लगभग 1,000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर पैरेलल डेटाबेस बहुत यूजफुल है, क्योंकि पैरेलल डेटाबेस में बहुत सारे प्रोसेसर जो है बैकएंड पे या डेटाबेस सिस्टम की तरफ से काम कर रहे होते हैं,
तो वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं, मल्टीपल यूजर के रिक्वेस्ट को वो जो है हैंडल कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल डेटाबेस, तो पैरेलल डेटाबेस में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो जब उस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टअप टाइम उसका बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अप मल्टीपल प्रोसेस, तो मल्टीपल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए उसका टाइम जो है बढ़ जाएगा, तो स्टार्टअप टाइम जो है हम कह सकते हैं कि पैरेलल डेटाबेस प्रोसेसिंग सिस्टम में स्टार्टअप टाइम जो है वो बढ़ जाता है। देर इज ऑलवेज एन ओवरहेड एसोसिएटेड विद पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में हमेशा जो है एक ना एक प्रॉब्लम बनी रहती है, तो देर इज ऑलवेज एन ओवरहेड एसोसिएटेड विद पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स बहुत सारे प्रोसेसर जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का जो है मेरा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।